क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो रे बाबा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, पढ़ो 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 पढ़ो, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा था कि हमारे पास क्या है, एक आइस का क्यूब है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, इसका साइड 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आइस क्यूब के अंदर कोई बबल है, इसको अगर एक तरफ से देखते हो, एक तरफ से देखते हो तो ये इसकी अपरेंट डिस्टेंस जो है वो तुम्हें दिखता है 12 एक तरफ से, और दूसरी साइड से जाकर के देखते हो उल्टा करके, इधर से मान लो इधर से देख रहे हो तो ये जो है तुमको अब दिख रहा है 4, मतलब कि इसके लिए अपरेंट हाइट हो गया 4, 12, इसके लिए अपरेंट हाइट हो गया 4। क्वेश्चन ने पूछा है कि इस आइस क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है, पहला ऑप्शन में है 4/3, दूसरा में है 3/2, तीसरा में 2/3, चौथा में है 6/5, ठीक है। भूल जाओ दूसरे केस को, पहला केस पर फोकस करो, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। मैंने तुम्हें अपरेंट दे रखा है ना एक तरफ से, कितनी है 12 है। मैं तुमसे पूछूं अगर डी अपरेंट का फॉर्मूला बताओ, डी अपरेंट का फॉर्मूला बताओ, और ये सर क्या होगा, क्या होगा सर, डी एक्चुअल, डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ दैट मीडियम। सर और ज्यादा आप डेप्थ में जाना चाहते हो, डिवाइडेड बाय सर म्यू ऑफ जिस मीडियम से आप देख रहे हो, तो अभी मेरा आंख कहां पर है, हवा में है, सो म्यू ऑफ एयर सर, दिस इज द कॉन्सेप्ट, यस और नो, यस सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसमें सपोज करो ये जो एक्चुअल हाइट है, सपोज करो ये एक्चुअली में कितना है, x पर है, तो अगर मैं पूछूं अपोजिट साइड एक्चुअली में कितना पर होगा, 24 माइनस x पर होगा, यस और नो, यस और नो, यस सर, यस सर। डी अपरेंट अपन को पता है, इस केस के लिए लगाओ 12, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12। म्यू ऑफ एयर अपन को पता है कितना है 1, इक्वल टू डी एक्चुअल कितना है x, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम क्या है अपन को पता नहीं है। बोलो बात बराबर है, बोलो बात बराबर है, यहां तक सबको सब बात समझ में आ रही है, हाँ सर। तो यहां से तुम्हारा रिलेशन क्या है, 12/1 इक्वल टू एक्स बाय म्यू, तो कह सकते हो x इक्वल टू आर आई सर 12 म्यू सर, समथिंग लाइक दिस, x बाय म्यू इक्वल टू 12, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यही सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट अपन को किसके लिए अप्लाई करना है, दूसरी साइड से अप्लाई करते हैं, ठीक है सर। दूसरे साइड से अपरेंट जो अपन को देख दे रखा है डेप्थ, वो कितना है 4 है सर, 4 है सर, तो मैं दूसरे साइड के लिए अप्लाई कर रहा हूं, 4/1 इक्वल टू अब की बार एक्चुअली में कितनी है 24 माइनस x है सर, ठीक है सर, और म्यू तो म्यू है फिर भी, अभी भी म्यू तो म्यू है अभी भी, तो बात समझ में आई, बात समझ में आ गई, सब कुछ अच्छे से आई समझ में, हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है सर, ठीक है सर। इसको सॉल्व करो, 4 म्यू इक्वल टू 24 माइनस x, अपन को म्यू चाहिए ना, तो x के जगह पर 12 म्यू रिप्लेस कर दे, इसको पुट कर दे यहां पर, कर दो, तो क्या हो गया 4 म्यू इक्वल टू 24 माइनस ऑफ 12 म्यू, क्लियर, क्लियर, यस और नो, यस सर। 12 म्यू को इधर लाओ, 4 म्यू प्लस 12 म्यू 16 म्यू इक्वल टू 24, यहां से म्यू कितना आ रहा है सर 24/16, 8 × 3, 8 × 2, 3/2 सर, 3/2, 3/2 इज द आंसर। अरे बोलो समझ में आया, सो वी गो फॉर ऑप्शन 2, वी गो फॉर ऑप्शन 2, यस और नो। सो शो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड करेक्ट आंसर ऑफ जेईई मेंस और नीट एग्जामिनेशन, यू हैव टू लर्न दैट। वंस यू विल लर्न द अप्रोच, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, यू कैन अचीव गुड रैंक।